सकम टू कई। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, हम समझना चाहते हैं। न्यूज़ पेपर में इसका जो आप न्यूज़ पेपर इसका यूज जरूर मिला होगा। अब नेक्स्ट बनाते हैं, नेक्स्ट ये आप इस तरह बनाएंगे। मैं अब कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ आपको बना के। हाय गाइस, वेलकम बैक, मैं आपका दोस्त संजय। तो आज हम पढ़ेंगे सकम टू का यूज। इसका यूज देखा जाए तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोलना चाहते हैं इंग्लिश, लिखना चाहते हैं और दूसरा कोई बोलते हैं तो उसे हम समझना चाहते हैं। न्यूज़पेपर में इसका ज़्यादातर यूज होता है। अगर जो आप न्यूज़पेपर या इंग्लिश बुक कोई भी पढ़ते होंगे तो आपको इसका यूज जरूर मिला होगा। तो आपके आज के बाद अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगी तो आज के बाद आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, देखा जाए सबसे पहले देखा जाए सकम टू का मतलब क्या होता है। सकम टू का मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज़ के सामने झुक जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी के सामने, मान लीजिए आपके घर में कोई कहीं पे कोई घटना हुई और उसके सामने आप लोग झुक गए, उससे एग्री हो गए, ठीक है, उसे सहमत हो गए, तो वहाँ पे हम लोग सकम टू का यूज़ करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल बोला चाहूँ, जैसे बोल दिया जाए वह उस बीमारी से मर गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सकम टू का यूज़ करें क्योंकि मतलब बीमारी से वो मर गया, बीमारी के सामने वो झुक गया, इस तरह के हम सकम टू से संबंधित यूज करेंगे। दूसरा जैसे बोल दिया जाए वह अपने फैमिली के सामने झुक गया, ठीक है, तो हम लोग इससे संबंधित मतलब सकम टू का यूज करके हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो हम लोग प्रेजेंट में भी करते हैं यूज, और पास्ट में भी यूज करते हैं और फ्यूचर में भी यूज करते हैं। आज हम देखते हैं इससे संबंधित स्ट्रक्चर समझेंगे और इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं लास्ट में कुछ सेंटेंस भी दूंगा तो आपको उनको बना के इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगर जो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि इसे मतलब इंग्लिश से संबंधित अलग अलग तरीके से सेंटेंस से संबंधित हम एडवांस स्ट्रक्चर से संबंधित वीडियो देते रहते हैं, ठीक है। तो इस समय देखा जाए तो सबसे पहले देखा जाए तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, वो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब किसी के सामने झुक जाना, कोई चीज़ से मतलब वो हो जाना, उसके सामने झुक जाना, उससे संबंधित ही हम लोग सकम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाए। इसका स्ट्रक्चर हो जाए कोई भी कैसा भी सब्जेक्ट हो सकता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आप लोग इज एम आर वाज वर्ब विल विल सेल का यूज़ भी जैसा भी होगा वैसा करेंगे, ठीक है। और कैन कुड शुड माइट जो भी होता है इसका यूज भी कर सकते हैं जैसा होगा सेंटेंस। इसके बाद सकम टू लगाएंगे, ठीक है। सकम टू के बाद हमारा सकम टू का मतलब ही होता है किसी के सामने झुक जाना, ठीक है, तो ये होता है। और इसके बाद अदर वर्ड मतलब जो चीज़ें बाद में बचेंगी उनको हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं उनका स्टंग, हम लोग इसके एग्जांपल बनाते हैं। लिखा है कुछ मैंने, आप उसकी डिमांड के सामने झुक गए, ठीक है, मतलब आप उसकी डिमांड के सामने झुक गए, ठीक है। इसको कैसे बना देंगे, यू सकम टू, यू succumbed to his demand, ठीक है, ये हो जाएगा यू succumbed to his demand। नेक्स्ट लिखा है उसे किसी प्रेशर के सामने नहीं झुकना था, ठीक है। इसको बनाते हैं, देखा जाए तो ये पास्ट में है लेकिन नेगेटिव में है, तो हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसको देखा जाएगा ही didn't succumb to any pressure, ठीक, ये हो जाएगा he didn't succumb to any pressure। तो ये आपका इस तरह होगा। दूसरा लिखा है हमारा नेक्स्ट, हमें किसी बीमारी के सामने नहीं झुकना चाहिए, ठीक है, तो इसको कैसे बना देंगे, इसको बनाते हैं We should not succumb to any disease, लिख रहा है, तो लिखा है We should not succumb to any disease, मतलब हमें किसी बीमारी के सामने नहीं झुकना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इस तरह बनाएंगे और मैं आप कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको उनको बना के लिखना है। जैसे बोल दिया जाए वह अपने परिवार के सामने झुक गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा बोल दिया जाए, ठीक है, वह अपने
दोस्त के डिमांड के सामने झुक गया। तीसरा बोल दिया जाए उसे उसके सामने नहीं झुकना चाहिए, वह उस बीमारी से मर गया। ठीक है, तो आप लोग इस तरह सोचेंगे और इनको बना के आप लोग कमेंट में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दूसरे के पास भी शेयर कीजिए। अगर जो आप सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे सभी लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जो आप लोग ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।